और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू। बता दें कि दूसरे चरण में 958 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। बड़ी खबर आपको बता दें छत्तीसगढ़ से, जहां पर धमतरी के जालमपुर में ईवीएम मशीन खराब होने की सूचना है और ईवीएम मशीन खराब होने के चलते वोटिंग रुकी हुई है। तो छत्तीसगढ़ के कई जगहों से ईवीएम मशीन खराब होने की सूचना मिल रही है। और बता दें कि छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 958 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, किस्मत आजमा रहे हैं। और बता दें कि कई जगहों पर धमतरी के जालमपुर में ईवीएम मशीन खराब होने की सूचना है। और ये सीधा तस्वीरें देखिए किस प्रकार से लगातार मतदाता वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। इसी बीच धमतरी के जालमपुर में ईवीएम मशीन खराब होने की सूचना मिल रही है और ईवीएम मशीन खराब होने के चलते वोटिंग रुकी हुई है। लगातार ये कवरेज हम आपको बता रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है और दूसरे चरण में 958 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। और ये तस्वीरें देखिए किस प्रकार से मतदाता लगातार बूथों पर जाकर के मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन इसी बीच धमतरी के जालमपुर में ईवीएम मशीन खराब होने की सूचना मिल रही है। ईवीएम खराब होने के चलते वोटिंग रुकी हुई है। फिलहाल मतदाता परेशान होते नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है।